दोस्तों, दुनिया के तीन सबसे जिद्दी मकान मालिक जिनको करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुए, आखिर यहाँ की सरकार इन घरों को हटाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे है लुओ बोगेन। ये घर चीन में है जो एक 6 लेन के नेशनल हाईवे के बीचों बीच बना है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सरकार इसे नहीं हटा पाई। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है जिसके हर फ्लोर पर किराएदार रहते थे, लेकिन अब सब यहाँ से जा चुके हैं और अब इस घर का मालिक अकेला यहाँ रहता है। दूसरे नंबर पे आता है पोलैंड में बना हुआ ये घर, जो दुनिया का सबसे पतला घर है। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच क्या एक झोपड़ी को बने हुए देखा है? दोस्तों, ये घर भी चीन में है और इतने छोटे से घर को भी यहाँ की सरकार नहीं हटा पाई, क्योंकि चीन में ये कानून है कि अगर कोई भी अपना घर नहीं बेचना चाहे तो सरकार जबरदस्ती उनका घर नहीं हटा सकती।